सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल द स्कॉलर्स हाउस में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह बिष्ट एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, ओके, एंड डू स्टडी। सो फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा लेक्चर रहेगा वही लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.6 का। क्वेश्चन नंबर आपके बोर्ड पे विजिबल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट। सो फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए लेंथी रहेगा, बट यस, आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ओके। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, ये आप क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ओके। सो हेयर वी स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास दो इक्वेशंस है, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखी है, ठीक है, पहले से लिख रखी है। देखिए फ्रेंड्स, हम इस पर क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। देखिए, ये आपके पास क्या है, टेन अपॉन एक्स प्लस वाई, ओके, टेन अपॉन एक्स प्लस वाई। सो मैं इसको सेपरेटली यहाँ पर एक टेन अपॉन एक्स प्लस वाई लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड, ध्यान देना, ठीक है, इस पार्ट पे आप ध्यान देना। देखिए ये पार्ट, ये जो लिखा है, ये फ्रैक्शन है टेन अपॉन एक्स प्लस वाई का, ये कैसे बना होगा, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, यस, ठीक है, आई कैन राइट दिस। देखिए क्यों, अगर 10 बन जाए, 10 करता हूँ तो ये वही बन जाएगा जो पहले था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, देखिए इस जो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअली है क्या, इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, इसको रिड्यूस करना है। देखिए आपको जो इक्वेशन है बहुत हौज पौज दिख रही होगी, ठीक है, तो आपको उसको पहले रिड्यूस करना है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को एलसीएम लेके करने बैठ गए तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके 10 मिनट्स कहीं नहीं गए, मतलब 10 मिनट से ज़्यादा आपको लग जाएंगे, ठीक है। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसका इसको रिड्यूस करना है, मतलब ये जो अपॉन दिख रहा है, इसका फ्रैक्शन पार्ट, इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है, वो हमें रिड्यूस कर देना है, उसको हटा देना है, ठीक है। सो हमारे पास एक मेथड होता है हटाने का, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो जस्ट फोकस ऑन वाइट बोर्ड, ओके। हेयर वन अपॉन एक्स प्लस वाई, आपको दिख रहा है वन अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखना, वन अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको मैं क्या u मान लूँ, ठीक है, इसको मैंने u मान लिया, इसको मैंने u मान लिया, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास वाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो फ्रेंड्स मैं इसको एक ही पेज पर, एक ही वाइट बोर्ड पर, मतलब इसके बाद ऐसा नहीं कि मैं इसको इसी में सारा क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे रफ करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आप देखते रहना क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन आपने लिख लेना, ठीक है, एक बार कॉपी में आप क्वेश्चन अपना लिख लेना। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका आगे सेकेंड पार्ट, जो कि क्या है, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, हेयर आई एम राइटिंग एक्स माइनस वाई, टू अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। देखिए कैसे बना होगा, टू में क्या मटेरियल आया हुआ होगा, वन अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए इसके पास क्या है, ये टू अपॉन एक्स माइनस वाई, सॉरी, ये वन अपॉन एक्स माइनस वाई है। इस वन अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या मैं वी मान सकता हूँ, ठीक है, मैंने मान लिया, ओके, मैंने इसको वी मान लिया, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक भी खोल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी बुक ले ली, ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन ड्रॉप करना पड़े तो मैं यहाँ से क्वेश्चन देख लूँगा, ठीक है, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करना है मुझे, मैंने वन अपॉन एक्स प्लस वाई को यू मान लिया, वन अपॉन एक्स माइनस वाई को वी मान लिया, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। तो सेम मुझे, अब मुझे बताइए, अब ये रिड्यूस करके कैसा बनेगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इस फर्स्ट इक्वेशन की जगह पर मैं क्या लिखूंगा। देखिए फ्रेंड्स, इस सारा पार्ट में रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, ये मैंने रफ कर दिया, ये मैंने रफ कर दिया, ठीक है। अब एक नई इक्वेशन तैयार होकर आएगी, ठीक है, ये देखिए, मैं ये जो दो चीज़ें हैं इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपको पता चल गया ना कैसे लिखना है। यहाँ पर मैं लिख दिया वन अपॉन एक्स प्लस वाई को तो यू मान रखा, जो कि यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर मैंने ले लिया वन अपॉन एक्स माइनस वाई को बी, और मैं इसको रख करता हूँ, ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब देखिए फटाफट फटाफट देखिए, देखिए ये कैसा था, टेन इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वाई था, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये वन अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे मुझे यू रखना है, पुट, ठीक है, यू किस में, वन अपॉन एक्स प्लस वाई में, तो मैं यहाँ पर यू रख दूंगा, ठीक है, ये मैंने रखा। देखिए कैसे रखूंगा, टेन तो रहा यहीं पर, इस पूरे की जगह पे क्या आया है, यू, तो मुझे यू यहाँ पर रखूंगा। इतना आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है, आई होप आपको ये आ गया होगा, ठीक है, इजी है।
सो मैं इसको रख कर देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो रिड्यूस होके क्या हो गई, टेन क्यू, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या हो गई, टू बी इज इक्वल टू फोर, टेक दिस इक्वेशन एस थ्री, ठीक है, इसको थ्री नॉन ले लेते हैं। सिमिलरली 15 यहाँ पे क्या है, यू माइनस है बीच में, ठीक है, फाइव वी, ओके, दिस इज फाइव वी इज इक्वल टू माइनस टू। अब फ्रेंड्स देखिए, इससे एक प्रीवियस क्लास थी शायद, उस पर मैंने आपको वो बताया था क्या, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय इक्वेटिंग द कोफिशियंट। सो फ्रेंड्स आप उसको देख लेना, ठीक है, मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया था बाय इक्वेटिंग द कोफिशियंट, हमें कोफिशियंट इक्वेट करना है। उस पर मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, किसी भी एक को सेम करो, या तो यू के कोफिशियंट वाले को सेम करो या वी के कोफिशियंट वाले को सेम करो, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स मैं वीडियो देख लेता हूँ, सही चल रही नहीं चल रही, ठीक है, सब विजिबल है, क्लियर है, ओके। देखिए फ्रेंड्स अब आपको पता है क्या करना है मुझे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें करना क्या है, देखिए मैं एक काम करता हूँ, इस वी का जो कोफिशियंट है और नीचे जो इक्वेशन है उसका जो कोफिशियंट है उसको बराबर कर देता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, जो वी का कोफिशियंट टू है, इस वी में जो कोफिशियंट है फाइव है, ठीक है, बताइए क्या करूँ ऐसा कि यहाँ पर दोनों सेम हो जाए। देखिए टू और फाइव की टेबल, ठीक है, ऐसा एक नंबर जो टू की टेबल में आता हो, फाइव की टेबल में आता हो, वो नंबर क्या है, टेन। तो मुझे यहाँ पर भी टेन लाना है, यहाँ पर भी टेन लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर फाइव का मल्टीप्लाई, इस पर टू का मल्टीप्लाई। नाउ अगेन इक्वेशन चेंज हो गई है, देखिए मैंने बताया था कि सिर्फ फाइव टू से नहीं होगा, फाइव इस टेन से भी होगा। तो हेयर फाइव टेन जा फाइव टेन जा फिफ्टी, फिफ्टी यू प्लस फाइव टू जा टेन वी, फाइव फोर जा ट्वेंटी, अगेन फिफ्टीन टू जा थर्टी यू, माइनस टू फाइव जा टेन वी, एंड टू टू जा माइनस का फोर। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, ओके, समझ में आया फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, ये आपके पास है इक्वेशन, ये आपने लिख लिए होंगे या फिर आपको पता ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेवन्थ है, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का सेवन्थ है, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए क्या करूँगा मैं यहाँ पर, अब हाँ एक चीज़ और आ गई, अब एक चीज़ और आ गई, देखिए उस एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको एक चीज़ तो बताई थी, बट हाँ यस अब एक नई चीज़ आ गई है। वो नई चीज़ क्या है, देखिए मैंने बताया था इस माइनस को, इस माइनस का साइन देखकर चेंज करना है, प्लस करना है, ठीक है, इस माइनस का साइन देखकर प्लस करना है। सो फ्रेंड्स देखिए हमें जब नीड होगी हम तभी करेंगे, ठीक है, अगर मैं इसको काटना चाहूँ सीधे प्लस और माइनस करके तो ये कट जाएगा, ठीक है, प्लस और माइनस करके, मुझे चेंज करने की अभी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ज़रूरत इसलिए पड़ रही थी क्योंकि वो कट रहे थे, ठीक है, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, देखिए ठीक है, मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, टेन माइनस, देखिए इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे माइनस का साइन, अभी मैं इसको डायरेक्ट काटूंगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ साइन चेंज नहीं किया है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर मैंने यहाँ पर साइन चेंज नहीं किया है तो आपको कहीं पर भी इस माइनस के कहीं पर भी जो है आपको साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। मेरा मतलब यह है कि यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ आप प्लस नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर किस तरीके से काट रखा उनको, विदाउट चेंज एनी साइन, प्लस माइनस माइनस करके। सो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो गया आपका 16, 50 में से 30, 50 प्लस 30 कितना हुआ 80, 80 यू, ओके, ये पार्ट तो जीरो हो गया। सो हमारे पास यहाँ पर यू की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ 80 यू इज इक्वल टू 16 आ गई, सो हेयर यू इज इक्वल टू 16 अपॉन 80, ठीक है फ्रेंड्स, यू इज इक्वल टू 16 अपॉन 80। नाउ 16 मतलब 60, 16 फाइव 80, यू नो दैट। अब देखिए u की वैल्यू 1 अपॉन 5 आप कहाँ पर रखेंगे, यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे, ठीक है, मैंने बताया था आपको कहाँ पर रखेंगे, इस वाले जो हमारी इक्वेशन आई है, जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, इस u की वैल्यू यहाँ रखेंगे। देखिए ये u की वैल्यू 1 अपॉन 5 आप इक्वेशन नंबर थर्ड पर पुट कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर पुट करता हूँ, देखिए 10 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस
2v इज इक्वल टू 4। ओके समझ में आ गया फ्रेंड्स। देखिए आप इस पार्ट को देख लीजिए एक बार अच्छे से, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप जैसे कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके नाउ आई एम गोइंग टू रफ, चलिए मैं, हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी रफ कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं उनको, और आई थिंक इसको भी रफ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। चलो अभी निकालते हैं, 5 2 10 कितना हो गया, 5 2 10, ठीक है, आई एम राइट, ठीक है। अब 2v इज इक्वल टू, देखिए ये 2 था ना, ये 2 वहाँ चले जाएगा, 4 - 2 हेयर वी की वैल्यू, 2v इज इक्वल टू 2। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने रफ कर दिया क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत है ही नहीं। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, ऐसे 2/2 1, देखिए u आ गया 1/5, v की वैल्यू कितनी आ गई 1, u इज इक्वल टू 1/5 एंड v इज इक्वल टू 1। नाउ जो आपने एज्यूम करे थे उसको इनकी जगह पर रखना है, क्योंकि हमारा मेन चीज हमें निकालना क्या था, हमें क्या निकालने थे, एक्स और वाई निकालने जरूरी है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इस यू की वैल्यू 1/5 यहाँ पर रख दी मैंने, ठीक है। देखिए ये 1/(x+y) था ना, इस यू की वैल्यू ये 1/5 मैंने यहाँ पर रख दी, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वन से कुछ भी मल्टीप्लाई हो या वन से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो वही नंबर आता है, यहाँ पर क्या आ गया, x+y = 5, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए v की जगह पे 1 रखूंगा, ठीक है, ये करता हूँ मैं 1/(x - y) = v है, सॉरी v नहीं करते हैं, v की कितनी है, v की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ से दूसरी क्वेश्चन क्या बन गई, x - y = 1। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आपके पास फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, एलिमिनेशन मेथड इन x और y पर निकालने के लिए। सो मैं फटाफट करता हूँ उसको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया x + y = 5 एंड x - y = 1। वंस अगेन अगर मेरे पास प्लस माइनस होके कट रहा है तो नो नीड टू चेंज एनी साइन, ओके। सिमिलरली दिस x + x 2x, this plus 6, हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ 6, 2 3 6, हमें x की वैल्यू 3 मिल गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x = 3 इन एनी इक्वेशन, ठीक है, एज योर विश, either this or either this, so I'm equating x value 3 in this equation, okay, x - y = 1 पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने रख दी 3 - y = 1। फ्रॉम हेयर y को मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, तो 3 - 1 = y, तो फ्रॉम हेयर वी विल फाइनली गेट 3y की वैल्यू 2, x = 3 एंड y = 2। सो फ्रेंड्स देखिए बहुत इजी था, आप इसको एक बार रिपीट करके देखिएगा, ठीक है, इसको एक बार आप रिपीट करके देखिएगा जरूर, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी था, मेरा मकसद ये था इसको समझाने का, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का था, लेकिन इसमें क्या था, एक्स प्लस वाई था, ठीक है, इसमें 1/(x+y), इसलिए मैं इसको लाया, ठीक है। थोड़ा बहुत होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो ईजी रहता है हर चैप्टर का ना, तो ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके लिए जो है 7th क्वेश्चन लेकर आया। इसी टाइप का देखिए 4th क्वेश्चन भी है, ठीक है, इस टाइप का आपके पास 4th क्वेश्चन भी है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, उसको आप सॉल्व करना घर पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, उसमें 1/(x) को आप u मान लीजिए, ठीक है, वो मैंने आपको ऐसी ओरली बता दिया है, आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है, उसमें तो डायरेक्ट आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू भी डायरेक्ट निकल जाएगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, और अगर कोई डाउट होता है तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता रखा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए, सो इस क्लास को मैं क्लोज करता हूँ, सो फ्रेंड्स इसको शेयर करना इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाना फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे, ठीक है फ्रेंड्स, ओके।